नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई साहब जैसे कि देख पा रहे होंगे सामने, बिल्कुल ठीक सामने आप देख पा रहे होंगे TVS Apache 310 दो कलर में है, एक येलो और एक ब्लैक। दोनों दिखने में सेम है बट इसका जो फीचर है बिल्कुल अलग है। भाई आप सोच रहे होंगे क्या ऐसा फीचर है कि दोनों सेम है बट फीचर अलग है। डिस्कस करेंगे इसका ऑनरोड प्राइस क्या है, क्या फीचर है, क्या इसका माइलेज है और क्या क्या चीज़ें इसमें नया नया इंट्रोड्यूस किया गया है। और बाकी गाड़ी आपको दोनों एक ही दिखेगा लेकिन इसके अंदर आप फीचर मॉडिफाई बहुत सारे चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो आपके सामने ब्लैक कलर की TVS Apache 310 है ना, ये एडवांस वर्सन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में इसके जस्ट आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा कि येलो कलर की, इसके बाद भी आपको बताएंगे जो बेस्ट मॉडल है और इसमें कुछ चीज़ें इसमें आप लगा सकते हैं। आप ऑन करेंगे ना, सबसे पहले रेसिंग करके ये बिल्ट टू ऑर्डर, ये जो है ना इसके अंदर बहुत सारे फीचर जो ऐड किया गया है और इसके जो ये फीचर ऐड करने के लिए भाई साहब आपको एक्स्ट्रा 18,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो ये का जो स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको ABS का साइन दिखाई देगा, यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल TC है, बहुत सारी चीज़ यहाँ पे रेन मोड पे है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर देखो यहाँ पे आपको किलोमीटर लो फ्यूल दिखाई देगा, यहाँ पे टॉप स्पीड दिखाई देगा, ये यहाँ पे रेंज कितना किलोमीटर आप जा रहे हो, यहाँ पे आपको RPM दिखाई देगा। बहुत सारे चीज़ें हैं जो इसमें जो आपको एक्स्ट्रा आपको 18,000 देंगे तो ये डिस्प्ले में सारे चीज़ें आपको मिल जाएगा। चलिए आपको मैं इस साइड में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ये एंटर जब करेंगे तो ये सारे मोड आ जाएगा। देखो राइड मोड, ट्रिप मोड, बाई व्हीकल, यहाँ पे प्रेफरेंस आएगा, ये सारे चीज़ आएगा। सबसे पहले हम चलते हैं राइड मोड पे। राइड मोड में जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखो अर्बन, उसके बाद रेन, स्पोर्ट, ट्रैक, सुपर मोटो, ये पांच टाइप की आपको यहाँ पे राइड मोड मिल रहा है। जैसे आप बैक करेंगे फिर इसके नीचे हम आते हैं ट्रिप मोड पे। ट्रिप मोड जैसे ऑन करेंगे ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप सी, डे ट्रिप मीटर, ये सारे चीज़ें आपको मिल जाएगा। और उसके बाद व्हीकल में अगर आएंगे तो व्हीकल में आपको आगे सर्विस, सर्विस में अगर ऑन करेंगे तो ये सर्विस, नेक्स्ट सर्विस का व्यू है, ये सारे चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगा। फिर आपको परफॉर्मेंस रिकॉर्ड पे आएंगे तो ये सारे माइलेज, स्पीड, लिप, ये बहुत सारे भी मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते, सबसे बड़ी बात है ये प्रेफरेंस पे आपको क्लिक करो, यहाँ पे डायनेमिक और ये DRL है ना भाई, यहाँ पे भी आपको ऑन कर सकते हैं। ये ऑन किया देखो आगे आपको जलेगा, जैसे मैं आपको आगे से भी दिखा दूंगा, यहाँ पे भी, यहाँ से भी आपको DRL लाइट ऑन कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप जाके बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी क्लिक करिए, यहाँ पे ट्रैक्शन का ऑन ऑफ ये भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्विक शिफ्टर भी है, यहाँ पे भी इसको भी आप यूज कर सकते हैं। डिफेंस में आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, सबसे लास्ट में जाएंगे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल सीट, इसको जब करेंगे ना भाई साहब, यहाँ पे एक गजब का फीचर यहाँ पे दिया गया। जैसे आपको ये ऊपर करेंगे ना, कभी कभी ना सीट आपको ठंड के टाइम पे जब भी बर्फ में गाड़ी चला रहे हैं या जैसे लेह लद्दाख जा रहे हैं या आपको कश्मीर जैसे एरिया में रह रहे हैं तो सीट जा क्या ना ज़्यादा ठंड हो जाता है, तो हम जब राइड करते हैं तो थोड़ा गर्म चाहिए भाई जब बैठेंगे सीट के ऊपर, तो ये सारे चीज़ फैसिलिटी दिया गया। जैसे आप ये ऊपर करेंगे ना तो ये सामने वाला आपको, भाई को बोलूँगा दिखाने के लिए, ये जो सीट है ना आपको ऑटोमेटिकली नीचे से हिट हो जाएगा, आपको फील करके बता रहा हूँ। बाकी जब आप गाड़ी लेंगे तो यहाँ पे अगर हाथ लगाएंगे तो धीरे धीरे जो ये सीट है ना आपको गर्म होता हुआ आपको महसूस होगा। अगर सेम चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको नीचे करिए, नीचे की तरफ जब जाएंगे ये देखो नीचे की तरफ आएगा, ये जो है ना ब्लिस्टर टाइप का दिख रहा है, सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ठंड आपको, कोल्ड का आपको फीलिंग देगा। जैसे आपको कोई गाड़ी बहुत टाइम से धूप में खड़ा है या बाहर कहीं पे आप पार्क किए हो तो ये आपको यहाँ पे अगर फील करेंगे तो ठंड लगेगा। जैसे आपको गाड़ी में लगते हो ना, जब बैठते हैं ना तो पीछे से आपको गर्म लगता है, ये सारे चीज़ें आपको मिल जाएगा। आपको इंडिकेटर लाइट मिल जाएगा और नीचे आपको हॉर्न वाला बटन ये मिल जाएगा और सबसे ऊपर आपको यहाँ पे पास लाइट का बटन मिल जाएगा। और आगे चलते हैं, सबसे पहले आपको इसका हेडलाइट वगैरह ये दिखा देते हैं। ये देखिए सामने वाला जो LED आपको, ये देखो DRL लाइट दोनों LED मिलेगा और यहाँ और ये वाला जो हिस्से में आप देख पा रहे होंगे ये दोनों स्प्लिट आपको मिलेगा हेडलाइट। आप ये देखो ये दोनों LED का मिलेगा और ये आपको पास लाइट, देखो भाई गजब का टेक्नोलॉजी बनाएगा। ये देखिए इसका सामने वाला जो हेडलाइट का पोर्शन तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। सबसे पहले बात करते हैं इस इंजन की। इस इंजन आपको 312.12 CC की आपको इंजन मिल जाएगी, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आपको TVS के द्वारा बैचिंग किया गया होगा, बिल्कुल ब्लैक कलर की मिलेगी और ये आपको मिलेगा इसके ऊपर जो इंजन गार्ड कह सकते हैं। अगर आपको इसके ग्राउंड क्लियरेंस पूछेंगे तो
180 mm की है भाई, बहुत बड़ी आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। आपको किसी भी कहीं पे भी आप रोड पे लेके जाएंगे ना, तो कहीं पे कोई दिक्कत होने का चांस ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है भाई, यहाँ पे अगर सारे इंजन आप देखेंगे थोड़ा आगे के तरफ टिल्ट होकर रहता है, बट यहाँ पे टीवीएस आरटीआर 310 में आपको थोड़ा इन्वर्टेड, थोड़ा पीछे की तरफ, ये जो इंजन का हिस्सा भाई को मैं बोलूँगा दिखाने के लिए अच्छी तरह से आपको, ये देखिए थोड़ा पीछे की तरफ है। और एक इसका साइलेंसर भी आप देखिए, ये अंदर से निकल के ये इस साइड में होके पीछे की तरफ गया है। आपको बाकी जितने भी सारे गाड़ी देखे होंगे सबसे आगे आगे की तरफ निकलता है, बट आपको यहाँ पे अपाची 310 में ये आपको उल्टा दिखाई देगा। और यहाँ पे मोनो सॉकर मिलेगा, यहाँ पे आपको कोई आपको जैसे दो सॉकर दोनों साइड से ये नहीं मिलेगा जैसे आप देख पा रहे हैं। और सीट के बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्यूअल स्प्लिट सीट मिलता है, जैसे कि आपको राइडर का हो गया या जस्टिस के पीछे पिलियन का हो गया, और पिलियन का फुटरेस्ट यहाँ पे है। और ये टोटल रेसिंग बाइक है तो इसलिए इसको ऊपर थोड़ा किया गया है पिलियन का फुटरेस्ट, और सामने ये होगा राइडर का फुटरेस्ट, और ये आपको फोल्डेबल मिलेगा। और साथ में ये ग्राफिक्स करके यहाँ पे बड़े बड़े अक्षर में ब्लैक में आपको मिलेगा अपाची लिखा हुआ। और इसका जो मैट फिनिशिंग इज क्वाइट अनबिलीवेबल भाई। और इसका जो ये देखिए, ये जो क्रोम वाली जो मेटल दिया गया है बहुत मजबूत है। टायर दोनों आपको फ्रंट एंड बैक दोनों ट्यूबलेस मिलेगा, और मिचलिन का मिलेगा, और 110/70 की मोटी सी आपको ट्यूबलेस टायर मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, जो आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको डुअल एवीएस मिलेगा, और ये आगे वाला जो आपको बहुत बड़ा सा एवीएस मिलेगा 300 mm की आपको एवीएस मिलेगा। और ये आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिलेगा, यहाँ पे कि इन्वर्टर सॉकर, आपको यहाँ पे इन्वर्टर सॉकर मिलेगा, और ये एडजस्टेबल नहीं मिलेगा भाई। इसका अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा, जो इसका टॉप मॉडल है जहाँ पे आपको एडजस्टेबल वाला सॉकर मिल जाएगा। चलेंगे साथ में आपको पीछे वाला हिस्सा भी दिखा देंगे। पीछे मिचलिन का मिलेगा आपको, यहाँ पे जो एवीएस मिलेगा 240 एमएम की एक, मतलब आगे से थोड़ा छोटा मिलेगा ये। और साथ में ये देखो इसका जो सिग्नल सिलेंडर आपको साइलेंसर मिलेगा, ये आप देख पा रहे होंगे, ये इसका मैं आपको पहले बताया था, ये इन्वर्टर है, मतलब पीछे की तरफ से होके फिर ये बाहर की तरफ आया है। ये आपको पिलियन की जो आपको मिलेगा फुटरेस्ट, जो मैं पहले उस साइड में आपको दिखा चुका हूँ। पीछे वाला आपको ये जो टेल लाइट देख रहे हैं, ये भी दोनों एलईडी का मिलेगा, साथ में ये भी हजार्ड लाइट जो आप देख रहे हैं ये भी आपको एलईडी का मिला। और पीछे वाला लुक में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक छोटा सा लाइट मिलेगा, जो यहाँ पे नंबर प्लेट रहेगा, ये दूर से देखने के लिए ये आपको हेल्प करता है। साथ में ये भी एक आपको रिफ्लेक्टर भी साथ में मिलेगा। बाकी ये स्पोर्ट्स बाइक है, और आपको स्पोर्ट्स बाइक का पता है भाई, स्पोर्ट्स बाइक है तो आपको थोड़ा स्पीड भी इसमें चाहिए। और अगर आप इसका मैक्सिमम स्पीड पूछेंगे तो ये गाड़ी आपको 150 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से दौड़ सकता है। ये 3,09,000 की। और इस गाड़ी में थोड़ा बहुत आपको मॉडिफाई किया गया है, और इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है 18,000 का, जो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह, और ये जो आप हीट सीट हीट और कूलिंग का, ये दोनों चीज़ यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, तो इसलिए इस गाड़ी का आपको 18,000 प्लस कर दीजिए। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारे चीज़ें आपको बता चुका हूँ, बाकी इसके डिटेल में आपको चौधरी भाई हमारे साथ है जो इस गाड़ी को पूरा चीज़ बता देंगे। सबसे पहले भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, थोड़ा आपकी जो लोकेशन बता दीजिए। ये है आपका टीटागढ़ स्टेशन से 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, 5/4 बीटी रोड। ओके, टीटागढ़ स्टेशन से आप निकलेंगे 1 नंबर प्लेटफॉर्म के अंदर से, तो वो बीटी रोड आ जाएगा, आप तो बीटी रोड के एकदम ऊपर है। और टीवीएस का सारे गाड़ी यहाँ पे मिल जाता है? हाँ सर, ये हम लोग टीवीएस का मेन ऑथराइज डीलर है, तो स्कूटी से लेके एकदम प्रीमियम सेगमेंट ये देखी जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। बाकी मैंने बाकी जो देख रहे हैं आपको मैं सारे चीज़ें बता चुका हूँ, बाकी जो मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर लिया हूँ, बाकी आप थोड़ा बता देंगे जो इसका स्पेसिफिकेशन क्या, आप बोल रहे थे दो एडवांस वर्सन है इसमें आप दे सकते हैं, ये थोड़ा बता देंगे सर। अच्छा, ये जो गाड़ी देखते हैं ये एक पैक लगा है, जो कंपनी बोलते हैं डायनामिक किट, ये डायनामिक किट वाला है जिसका कीमत है 18,000 रुपये, वो आपको टीवीएस में ही पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें आपको ये कूलिंग सीट मिलेगा, ये देख लीजिए, इसमें इंडिकेटर रहता है क्लाइमेटिक कंट्रोल, कूलिंग सीट रहता है जो नॉर्मल जो टेम्परेचर है उससे 15 डिग्री हीट और 15 डिग्री कोल्ड होगा। ओके, तो ये हम लोगों का एम्बियंट जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, और यूज़ भी वैसा होता है, और वो सब कुछ ये कंट्रोल होता है इधर से,
ये जो डिजिटल क्लस्टर है 5 इंच का, बहुत ही बढ़िया दिया है। हाँ, बहुत गजब का दिया। ये सब इधर से कंट्रोल पे, ये देखिए बिल्ट ऑर्डर एक आया भी लिखा हुआ, मतलब ऑलरेडी बिल्ट है इसके साथ। तो ये जब आएगा, ये जब किट जब एड करके आएगा, तो ये सब दिखाई देगा बिल्ट ऑर्डर, ये स्पेशल आपका है। और इसमें आपको मिलेगा USB पोर्ट सामने, जो नॉर्मल घड़ी का पोर्ट रहता है वो जैसे सकते इसके उल्टा है, अपसाइड डाउन, तो उसके ऊपर ही इसका नाम पड़ा है USD। ओके, इसका जो हेडलाइट है आपका, एक बार देख लीजिए, ये डायनामिक हेडलाइट है, मतलब आपका गाड़ी का स्पीड जितना होगा उसके ऊपर इसका इंटेंसिटी और थ्रोइंग एरिया बढ़ेगा या कमेगा। ओके, ठीक है, ये है इसका जो बैकलाइट है, एक बार पीछे आ जाइए, इसका जो ये बैकलाइट है ये भी स्मार्ट है। इस बाइक में सब कुछ स्मार्ट होता है। इसमें अगर आप पैनिक ब्रेक भी देंगे तो ये ब्लिंक होगा, मतलब आपके दूर से कोई अगर फॉलो कर रहा है आपको या आपके पास आ रहा है, तो अगर आप पैनिक ब्रेक करेंगे तो ये ब्लिंक होगा, तो पीछे वाला जो आएगा बंदा या राइडर तो उसको मालूम चलेगा कि हम लोग पैनिक ब्रेक लगा। ये है, और आपको ये पूरा स्मार्ट फीचर से भरा हुआ है, ये पूरा ब्लूटूथ कंट्रोल है इसमें, ये आपका मीटर जो है, ठीक है। और जो किट में, आप किट के बारे में थोड़ा बोल देता हूँ, पहला एक किट है डायनामिक किट। हाँ, उसका प्राइस क्या रहेगा सर? उसका प्राइस आएगा 18,000 रुपये। ये डायनामिक किट के ऊपर ही है। ओके, ये जो कस्टमर का है, ये इन्होंने डायनामिक किट लिया है, इनका पड़ेगा आपका 18,000 रुपये एक्स्ट्रा। 3 लाख जो गाड़ी का दाम है उसके ऊपर 18,000। ओके, और एक किट आता है डायनामिक प्रो, जिसका प्राइस पड़ेगा 22,000। डायनामिक प्रो में क्या क्या मिलेगा सर आपको? डायनामिक प्रो में ये जो नॉर्मल बाइक है इसमें आपको ABS मिलेगा, डुअल चैनल ABS, उसमें मिलेगा कॉर्नरिंग ABS। ओके, मतलब वो ABS सिर्फ लीनियर रास्ते के लिए नहीं, अगर मैं कॉर्नरिंग में भी ABS करूंगा तो उसमें भी आएगा। फिर आएगा कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, जो नॉर्मल ट्रैक्शन कंट्रोल लीनियर में होता है उसमें कॉर्नरिंग में भी आएगा। इसमें एक सिस्टम आता है क्रूज कंट्रोल, ये देखिए क्रूज कंट्रोल या ऑन ऑफ करने का स्विच है। ओके सर, ये जो स्विच है ये सब नॉर्मल बाइक में ये आता है आपका लीनियर डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रेट राइट में चल रहे हो तो कोई तभी आएगा, तो उसमें वो किट में आ जाएगा कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल। ओके सर, फिर आएगा स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल, मतलब आप समझ लीजिए किसी स्लोप से उतर रहे हैं और आपने ब्रेक किया। ओके सर, होता है ब्रेक करने का सिचुएशन आया तो ये गाड़ी पलट जा सकता है। ओके, लेकिन वो फीचर्स रहने से गाड़ी का पीछे का चक्का नहीं उठेगा, तो बिल्कुल एक छोटा सा रोबोट बना रहे हो, छोटा सा रोबोट एकदम, बहुत सारे टेक्नोलॉजी वैल्यू फॉर मनी जिसको कहते हैं ना, इस रेंज में जो दिया है कहीं नहीं मिलेगा बिल्कुल। उसमें और एक फीचर आता है एक व्हीली कंट्रोल, मतलब ये क्योंकि सेंसर इसमें देखिए, जो नॉर्मल सभी एक्सेलरेशन में एक केबल रहता है जो मैकेनिकल पार्ट रहता है, तो उसमें एक डिले रहता है, लेकिन इसमें देखिए कोई फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, कोई डिले भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, अचानक जो कोई और बाइक से आया है या किसी का ये फर्स्ट बाइक है, तो इसमें व्हीली होने का चांस होता है, मतलब सामने का व्हील ऊपर उड़ सकता है, तो हम लोग डायरेक्शन कंट्रोल खो सकते हैं, तो इसमें एक व्हीली कंट्रोल भी है। ओके, और एक उसमें फीचर्स आता है आपका ये वाला जो कूलिंग और कूलिंग और हीटिंग वाला, हाँ, ये हो जाता है 22,000 में पूरा गाड़ी के ऊपर। ओके सर, गाड़ी के ऊपर मुझको और 22,000 रुपये देना पड़ेगा, तो ये फीचर्स आएगा। ओके सर, और एक फीचर्स है जो और एक किट है डायनामिक वाला। ओके सर, वो 18,000 रुपये पड़ता है। ठीक है, 18,000 रुपये। उसमें क्या आता है आपका TPMS सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। वो ये जो है, हम इधर देखिए मीटर बोला मैंने पहले, यहाँ पे स्मार्ट है, तो स्मार्ट मीटर में इधर एक विजेट आ जाएगा हमका ऑन गोइंग ऑल टाइम, वो दिखाएगा कि फ्रंट में और रियर व्हील में कितना टायर प्रेशर है। ओके, वो एक आएगा, और सभी बाइक का चेंज ऐसा होता है, नॉर्मल सभी बाइक में ऐसा ही होता है, लेकिन किसी किसी बाइक में आपने देखा होगा कि एक कलरिंग कोटिंग रहता है गोल्डन कलर का ब्रश का, तो TPMS सेंसर के साथ और ब्रश का भी कोटिंग एक आएगा, जो मैंने डायनामिक किट बोल रहा है वो कोटिंग आएगा। और एक आएगा ऊपर आ जाइए, ये देखिए ये नॉर्मल वाला है, ये नॉर्मल वाला सस्पेंशन है, उस किट में आपका ये सस्पेंशन भी एडजस्टेबल, पीछे का और पीछे का मनुष्य और सामने का भी एडजस्टेबल आएगा। ये सारा फीचर्स इसमें है और सभी कुछ स्मार्ट है, मतलब जिसको बोलते हैं ना वैल्यू फॉर मनी बाइक, ये वही है। बहुत सारा मेरे को लग रहा है कि छोटा सा रोबोट है, छोटा सा रोबोट एकदम। और साथ में सर ये वाला जो दोनों में है इसमें तो कोई मतलब बेस्ट मॉडल है, बेस्ट मतलब ये किट के ऊपर है। ओके, नहीं तो दोनों ही सेम है। ओके, और एक आता है किट जो इसके कलर के ऊपर है, TVS का रेसिंग कलर। ओके, जिसका और 10,000 रुपये लगता है कलर के लिए, कलर के लिए जो मनपसंद कलर है वो बना, मनपसंद नहीं रेसिंग ब्लू कलर का कलर रहता है इसका। ओके, वो कलर ऑर्डर से ही आता है, तो हम लोग क्या बताए वो अवेलेबल नहीं रहता, वो ऑर्डर आपको बुकिंग करना पड़ेगा TVS के वेबसाइट में। तो नहीं तो जनरली आपको ये दोनों कलर में अवेलेबल रहता है, ये ब्लैक और
येलो, ये दोनों कलर येलो वाला में एक बार डिफरेंस कुछ नहीं है, वो येलो वाला है तो उसका जो व्हील है पीछे का, व्हील का रिम का कलर देखिए येलो है, और ये रेड में आता है तो इसका पीछे का व्हील का रिम है रेड। रोकिए, उसका रिम जो मिलता है रिम रेड, ओके। और सभी कुछ एक ही है, रिवाइज इंक्लाइन इंजन से लेकर अपने कोला ही होगा, यस सर, ये सब कुछ इसमें है। और अपलिफ्ट एग्जॉस्ट भी है, ओके सर, तो हम थोड़ा ऑफरोड भी कर सकते हैं क्योंकि एग्जॉस्ट ऊपर में है, ये भी एडवांटेज। और डेली राइड के लिए और एक एडवांटेज मैं बोल देता हूँ, इधर थोड़ा फोकस कीजिए सर, ये जो है आपका हम लोगों का लॉन्ग राइड में लोअर बैक में पेन पेन होता है थोड़ा बैक सपोर्ट के सपोर्ट, ये बैक सपोर्ट में जब आप थोड़ा पीछे होंगे तो ये बैक सपोर्ट में जो लोअर टेल बोन आपका है उसमें ही मिलेगा। और मैंने ये चलाया है 60 किलोमीटर, तो इसमें क्या है ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, हाँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से हेल्प करता है ये वाला। थोड़ा देखिए पीछे से सीट से ऊपर हुआ है और इसमें भी टीवीएस का ब्रांडिंग है, ड्यूअल कलर आता है, सभी जगह डिजाइन का बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है और ग्राफिक्स भी थोड़ा बहुत दिया है, एकदम थोड़ा एग्रेसिव भी है, तो ब्लैक कलर थोड़ा डेविल लुक ऐसा कुछ लगता है वो भी ठीक है, लेकिन मेरे पसंद के अगर बोलेंगे तो ये कलर ज्यादा अच्छा, तो मैक्सिमम लोगों को तो ब्लैक कलर ही पसंद आता है सर, यंग जनरेशन में ब्लैक और गोल्डन में ये फिनिशिंग आता है तो अच्छा ही लगता है, बिल्कुल यंग जनरेशन को ये टारगेट टारगेट करके स्पोर्ट्स बाइक बोलिए लोकल राइडिंग के लिए सब में ये फिटेड है बिल्कुल। और ऐसे ड्यूअल हेडलैम्प है तो ये भी थोड़ा लुक में और अच्छा बल्की भी लगता है, बल्की रखता है क्योंकि ये नहीं लगता, ये 312 cc का एक इंजन है। गाड़ी का फ्यूल टैंक कितने मुझे फ्यूल टैंक है इसका 11 लीटर। ओके सर, इसका माइलेज क्या रहेगा? इसका माइलेज ही कंपनी को क्लेम करता है जो वो आपको तो मिल जाएगा, लेकिन लगभग पकड़ के चलिए फर्स्ट सर्विस से पहले 25 से 30 और फर्स्ट सर्विस से 30 से थोड़ा ऊपर 32-35 मान के चलते हैं रफली, हम वही मानेंगे। ये तो डिपेंड करता है राइडिंग कंडीशन, राइडिंग कंडीशन कैसा कलर है उसके ऊपर और ऑयल और इसका कैसे मेंटेनेंस आप कर रहे हैं गाड़ी, सब कुछ मेंटेनेंस बहुत ही। ओके, ये सारे चीजें डिपेंड करता है। ये आपका जो क्लच लीवर है ये और फ्रंट का जो ब्रेक है ये एडजस्टेबल आता है, 4-स्टेप एडजस्टेबल। हम लोगों का हाथ का जो पंजा कहते हैं, हाँ जी, सब लोगों का किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो शॉर्ट हाइट का थोड़ा छोटा होता है, शॉर्ट में छोटा है, तो अगर ये फिक्स रहता है ना तो डेली ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हम लोगों का हाथ में दर्द करता है, बिल्कुल सही है, हम ये एडजस्ट कर सकते हैं। 4 जो इसमें है ये है मैक्सिमम और 1 जो है इसमें मिनिमम। ओके, ये देखिए सेटिंग आता है ये एरो करके, और ये एडजस्टमेंट बहुत ही आसान है, जस्ट इसको प्रेस करिए और इसको दूसरी तरफ और इसको घुमा दीजिए। ये देखिए मैं अभी 4 कर देता हूँ, तो ये हो गया सबसे बड़ा। ओके, बहुत बढ़िया, जस्ट बहुत ही ईजी होता है ये, कोई भी कस्टमर बोलिए या कंज्यूमर बोलिए बहुत ही आसानी से ये कर सकते हैं। ये और ये देखिए एक बार छोटा कर दीजिए, ये देखिए 3 ऐसे करके इंटरमीडिएट आता है 2 और ये आ गया 1। ये शायद इसमें फर्स्ट टाइम मतलब दिया गया है, हाँ इस कैटेगरी, ये हम लोगों का रनिंग जो है उसमें स्टार्ट है, 200 जो है उसमें है और 160 में भी है, मतलब ये 160 अपाचे से ये स्टार्ट होता है, बाकी सब में ये 3-स्टेप एडजस्टेबल रहता है, इसमें 4-स्टेप दिया है, इसमें ज्यादा है और सेम इसमें ब्रेक में फ्रंट ब्रेक में क्लचर ब्रेक दोनों में दिया है, क्लचर ब्रेक में दोनों में, और इसमें और एक आता है ये देख लीजिए सभी बाइक में, ये मैंने बोला है ये है तो थ्रॉटल बाय वायर, मतलब ये सेंसर के कंट्रोल होता है, इसमें कोई डीले नहीं रहता और फ्री प्ले भी नहीं रहता, इसमें जस्ट ऐसे कर तो उधर ही सेंस जाता है, और उसमें बाकी सब गाड़ी में एक मैकेनिकल पार्ट रहता है स्प्रिंग रहता है, तो उसमें डीले रहता है, ये डीले इसमें लगभग ना के बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम लगभग ना के बढ़े, ये है इसका एडवांटेज। बाकी थैंक यू आप लोगों ने हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे, बाकी थैंक यू आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया, वक्त आ चुका है आपसे अलविदा लेने के लिए, फिर वापस आएंगे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।